आज दिन की बेहद दुखद खबर आई। अरुण जेटली के निधन की खबर सुनकर देश भर में शोक की लहर सी दौड़ गई। दिल्ली के एम्स में भर्ती अरुण जेटली ने 12:07 पर अंतिम सांस ली और अस्पताल में राजनेता और मीडिया कर्मियों की भीड़ जमा हो गई। अब से थोड़ी देर पहले अरुण जेटली का पार्थिव शरीर उनके घर ले जाया गया। जेटली के आवास पर अब से थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। जेटली के घर पर बीजेपी सहित सभी पार्टियों के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कल दोपहर 12:00 अरुण जेटली के पार्थिव शरीर को बीजेपी हेडक्वार्टर पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा और कल दोपहर 2:00 निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन उनकी कमी हमेशा खलेगी, जब भी देश नई ऊंचाई छुएगा अरुण जेटली याद आएंगे। और समीर दीक्षित हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। समीर, धीरे धीरे तमाम जो जी, ओवर टू यू समीर। जी बिल्कुल, अरुण जेटली लगातार कॉरपोरेट जगत में भी उनको काफ़ी पसंद किया जाता रहा। उनके जो पैड थे, उनकी जो जगह थी, वो काफ़ी अहम थी। सुनील कांत मुंजाल जी हमारे साथ हैं। अरुण जेटली लगातार इंडस्ट्री के साथ डायलॉग्स करते रहते थे, उनकी समस्या लगातार सुनते थे। ऐसे में उनका जाना एक बड़ा नुकसान है, आप क्या कहना चाहेंगे? अरुण जेटली एक बहुत यूनिक इंसान थे, तो इंडस्ट्री के जैसे आपने कहा दोस्त थे ही, हमारे लिए वो पर्सनल फैमिली फ्रेंड भी थे और न केवल मेरे, हमारे पिताजी के भी थे और हमारा उनसे काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा है। लेकिन वो ऐसे यूनिक इंसान थे कि उनका हर एक के लिए कंसर्न रहता था, देश के लिए, लोगों के लिए, पार्टी के लिए, सो कॉमर्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। सो उनका जाना एक बहुत बड़ा नुकसान है भारतवर्ष के लिए, भारतवर्ष की पॉलिटिक्स के लिए। वो ऐसे यूनिक आदमी थे कि बहुत प्यार से बात करते थे सबसे, लेकिन अपनी कोई मुश्किल बात वो भी कह देते थे और मनवा भी लेते थे लोगों को। ये बिल्कुल उनके शख्सियत के कई पहलू हैं, लेकिन उनको रिफॉर्म मैन भी कहा जाता था क्योंकि बतौर वित्त मंत्री जीएसटी का मामला हो, आईबीसी का कोड हो, आईबीसी कोड का जो जिक्र है, इंडस्ट्री किस तरीके से उनको देखती है, कोई वाक्य आप अपने निजी स्तर पर भी कहना चाहेंगे? न केवल रिफॉर्म के लिए, लेकिन सरकार ने उनको काफ़ी अच्छी तरह यूज़ किया क्योंकि उनकी दोस्ती पूरे स्पेक्ट्रम, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में थी, ना केवल अपनी पार्टी में, ना अपनी सरकार में, लेकिन ऑपोजिशन के साथ भी, लोकल लीडर्स के साथ भी और रीजनल लीडर्स के साथ भी। तो इसलिए मैं कह रहा था जो पहले कहा, उनका जाना एक बड़ा नुकसान है हम सबके लिए। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। जाहिर तौर पे इंडस्ट्री के कई चेहरे इस वक्त सभी का रुख एक तरीके से कह सकते हैं वो कैलाश कॉलोनी की तरफ है अंतिम दर्शन के लिए। अगर आप देखें तो लगातार यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स का रुख अभी भी आने का जारी है अंतिम दर्शन के लिए। तकरीबन 3:00 दोपहर को अरुण जेटली के पार्थिव शरीर को उनके कैलाश कॉलोनी स्थित दिल्ली आवास पर लेकर के आया गया और उसके बाद बीजेपी, विपक्षी दल, कॉरपोरेट जगत के लोग, फिर फिल्मी सेलिब्रिटी हूँ, वो सभी का रुख एक तरीके से कैलाश कॉलोनी की तरफ रहा अंतिम दर्शन के लिए। कुछ बड़े नाम मैं आपको अभी बताना चाहूँ। थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, इन सब ये यहाँ पर पहुंचे हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ये सबको इस वक्त कैलाश कॉलोनी स्थित अरुण जेटली के आवास पर पहुंचे उनके अंतिम दर्शन के लिए। साथ ही परिवार को वो हिम्मत बंधाने के लिए जो इतना बड़ा क्षति परिवार को है, साथ ही बीजेपी को है और भारतीय राजनीति को है। फिलहाल अभी भी कई बड़े चेहरों को आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। रात 10:00 तक अंतिम दर्शन के लिए वो रहेगा लोगों के पास ताकि वो आकर अंतिम दर्शन कर पाए। और जैसा कि कल का जो कार्यक्रम है उसके तहत सुबह तकरीबन 11:00 अरुण जेटली के पार्थिव शरीर को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय आईटीओ के पास लेकर जाया जाएगा, वहां अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और 2 घंटे बाद तकरीबन 2:00 जो है उनको पार्थिव शरीर उनका जो है वो निगम बोध घाट के लिए लेकर जाया जाएगा, जहां पे अंतिम संस्कार 2:30 के आसपास किया जाना है। लेकिन कुल मिलाकर के भारतीय राजनीति के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए
ये एक बड़ी क्षति है जिसको आप देखें तो सभी नेता इसका जिक्र कर रहे हैं, अपनी श्रद्धांजलि जिस तरीके से वो दे रहे हैं। और जो जिस तरीके का कैरियर रहा है अरुण जेटली का, वो चाहे स्टूडेंट लीडर के तौर पे हो, बतौर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे हो, 1999 से उन्होंने बतौर प्रवक्ता जिस तरीके से शुरुआत करी, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, मोदी सरकार में उन्होंने वित्त मंत्रालय का जिम्मा संभाला, तो उनकी जो जिम्मेदारी थी जिसका उन्होंने बखूबी उसको निभाया, उसी का नतीजा है कि ये एक बड़ी क्षति के तौर पे पार्टी देख रही है। वो भी इसलिए क्योंकि हाल ही में सुषमा स्वराज ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया, तो दो बड़े दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जाना, ये पार्टी एक बड़े नुकसान के तौर पे देख रही है। फिलहाल आपको बता दें तो अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो पूरा एक तरीके से जिम्मेवारी लिए हुए हैं कि सारी व्यवस्था को संभाल रहे हैं, अपनी देखरेख अपनी निगरानी में देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी तरफ से जो है अंतिम संदेश यहाँ पे पहुँचाया, श्रद्धांजलि दी है। हालांकि जो सूत्रों के मुताबिक पता चला कि परिवार ने, अरुण जेटली के परिवार ने खुद इस बात को कहा कि वो अपना विदेशी दौरा उसको कट शॉर्ट ना करें और वो एक अहम दौरा है उसको वो जारी रखें, लेकिन बाद में वो ये जरूर है कि मोदी प्रधानमंत्री मोदी अरुण जेटली के परिवारिक जनों से बाद में देश लौटने के बाद मिलेंगे। जी बिल्कुल। और समीर, बहुत सारे लोगों से आपने बात की, क्या अरुण जेटली की शख्सियत की वो सबसे कॉमन बात थी जो हर कोई गिना रहा था, चाहे कॉर्पोरेट जगत की बात कर लें, तमाम राजनीतिक दिग्गजों की बात कर लें, पत्रकारों की बात कर लें, तो क्या वो एक कॉमन क्वालिटी थी जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था? जिस कॉमन क्वालिटी का आप जिक्र कर रहे हैं उसी की तस्वीर अभी हम देख रहे थे, आनंद शर्मा अभी गए यहां से, अरुण जेटली या सुषमा स्वराज, मैं दोनों का जिक्र करूंगा, जो सबसे बड़ी खूबी थी वो थी कि भाषा की मर्यादा, आपने संसद के भीतर संसद के बाहर जिस तरीके से वो अपनी बात को रखते थे, चाहे पत्रकारों के बीच में हो या किसी भी पटल पर, भाषा की मर्यादा नियमों के दायरे में रह करके जो बात वो जिस अंदाज में रखते थे वो एक बड़ी उनकी काबिलियत थी। साथ ही जो उनकी पकड़ थी सब्जेक्ट पे, वो वकील भी रहे, उन्होंने वित्त मंत्रालय का जिम्मा भी संभाला, कानून मंत्रालय का जिम्मा भी संभाला, तो जिस भी वो सांचे में रहे वहां पे उनकी जो पकड़ रही वो एक बहुत बड़ी उनकी काबिलियत थी। यही वजह है कि कई बार जब वो अपने भाषण देते थे, चाहे वो संसद के भीतर हो, तो पूरा सदन चुप बैठ करके उनको सुनता था, क्योंकि कई बार सिर्फ विरोध करने की भावना नहीं होती थी, कई बार सीखने की भावना भी होती थी। यही वजह है कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे जो उनके बड़े प्रवक्ता के तौर पर बताया जाता है, उसी श्रेणी में सुषमा स्वराज का नाम भी और साथ ही अरुण जेटली का नाम भी लिया जाता है कि वो जिस तरीके के प्रखर वक्ता थे, ओजस्वी उनका व्यक्तित्व था, वो एक बड़ी बात रही है। और यही वजह कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि गौतम गंभीर भी आए, और अगर आप सभी सेक्टर्स में देखें, विराट कोहली को जब अवार्ड मिला था, जो अभी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, उन्होंने भी बात कही थी कि जब दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर अरुण जेटली थे, उन्होंने क्रिकेट में जिस तरीके का उठाने के लिए जो अपना योगदान दिया अरुण जेटली ने, उसी का नतीजा है कि विराट कोहली जैसा जो एक लाजवाब खिलाड़ी आगे बढ़ पाया। तो ये एक उस प्रतिभा को भी दिखाता है कि अरुण जेटली सिर्फ पॉलिटिकल या फिर बिल्कुल एक तरह से प्रोग्रेसिव सोच जो रही वो उनके व्यक्तित्व में साफ तौर पर नजर आई, चाहे कोई भी दायित्व उन्हें दिया गया उसका उन्होंने बखूबी निर्वहन किया, और उसमें एक डायनामिक पर्सनालिटी उनकी थी, वो पूरी तरह से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते थे, और वो भी भाषा की मर्यादा और तमाम बातों का बहुत ख्याल रखते हुए। गुलरेज शेख हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं। गुलरेज शेख साहब, दिन भर आपसे बातचीत हो रही है और जैसे लग रहा है कि बातें खत्म ही नहीं हो रही, कितना कोई व्यक्ति अपने आप को इस कदर रीइन्वेंट करता है, अरुण जेटली जैसा शख्स, कि भूमिकाएं बदल जाती हैं लेकिन हैसियत उन भूमिकाओं के बदलने के साथ और ज्यादा बेहतर होती जाती है। नहीं, इसी को तो कहते हैं कि ऐसे लोग व्यक्ति नहीं होते हैं, व्यक्तित्व होते हैं। व्यक्ति भुला दिया जाता है लेकिन व्यक्तित्व याद आता है, इसीलिए हम बार बार बात करते हैं अटल जी की, इसीलिए हम बार बार बात करते हैं दीनदयाल जी की, सुषमा जी दीदी हमको आज भी याद इसीलिए आती हैं क्योंकि ये लोगों का व्यक्तित्व ऐसा रहा है। अरुण जेटली जी की भी हम बात करें तो एक तरह से अजात शत्रु व्यक्ति थे, उनका कोई बुरा बोलने, मैंने किसी को कभी उनके विरुद्ध बोलते नहीं सुना,
संगठन की जो उनकी विचारधारा थी उस पर जो कमिटमेंट था उनका, यही कारण था कि वो चाहे वो गृह मंत्री रहे हों चाहे वे रक्षा मंत्री रहे हों, लेकिन बतौर प्रवक्ता हमेशा संगठन के मंच पर, पार्टी के मंच पर दिखते थे और पार्टी की विचारधारा को स्पष्टता रखते थे, लेकिन उस वाणी में रखते थे कि किसी को ठेस भी नहीं पहुंचे, किसी को आघात भी नहीं हो, और जो बोलना है वो भी बोल देते थे शब्दों की मर्यादा को रखते हुए। और एक बात है कि ही वॉज एन इंटेलेक्चुअल मैन, एक इंटेलेक्चुअल की तरह उन्होंने बहुत भारत माता की सेवा की है और इसीलिए आज भारत दुखी है कि हमने एक इंटेलेक्चुअल को खोया है, एक अच्छे व्यक्ति को खोया है, वो संगठन के प्रति हमारा जो एक निष्ठा भाव वाले एक कार्यकर्ता को खोया है। ऐसे कार्यकर्ता बिरले मिलते हैं, इसीलिए आज आप देखिए कि पूरा संगठन उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और आप उनके परिवार का भी भाव देखे संगठन के प्रति क्या है। देखिए नरेंद्र मोदी जी वहां विदेश गए, परिवार ने मना किया कट शॉर्ट न करें क्योंकि देश के लिए वह एक अच्छा कृत्य हो रहा है, देश के हित में कार्य करने गए हैं तो देश सर्वोपरि होता है, परिवार सेकेंडरी आता है। इस भाव से हम हमेशा जीते हैं और इसी भाव से चलना जीना भी चाहिए। अभी मुझे टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि कांग्रेस के भी कितने सारे नेता हैं जिनसे हमारा वैचारिक मतभेद है, लेकिन अरुण जेटली जी ने, जैसे मैं कुछ देर पहले भी कहा था कि मुझे स्वयं उन्होंने एक शिक्षा दी थी जब मैं प्रवक्ता बना था कि बेटा कभी भी अपने जो विरोधी दल के लोग हैं उनको भी कभी अपना शत्रु मत माने, आपका वैचारिक मतभेद है उनके साथ, इसीलिए मतभेद रखें और मतभेद व्यक्त भी करें लेकिन शब्दों की मर्यादा को रखें और उनको भी कोशिश करें कि कभी ठेस नहीं पहुंचाई जाए। और यही चीज हमको अरुण जी के जीवन में दिखती है। बतौर प्रवक्ता मैं ये कह सकता हूं कि बतौर वित्त मंत्री, बतौर प्रवक्ता, देश के श्रेष्ठतम प्रवक्ता श्रेष्ठतम वित्त मंत्रियों में से एक रहे हैं। बिल्कुल, और प्रोग्रेसिव सोच की सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जिस तरह से तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं और तमाम जानकारियां उनके व्यक्तित्व के सामने आ रही हैं उसमें ये है कि जहां उनके बच्चों ने अपनी स्कूलिंग की, पढ़ाई की, उन्हीं स्कूलों में उन्होंने अपने ड्राइवर और अपने कुक के बच्चों को भी पूरी तरह से पढ़ने के लिए भेजा। और ये एक प्रोग्रेसिव सोच के व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी होती है कि आज जब तमाम लोग जब बात कर रहे हैं तो बहुत सी ऐसी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। आप हमारे साथ तो बने रहिए। अरुण जेटली के निधन से बीजेपी के तमाम नेता भी शोकाकुल हुए हैं और आइए सुनते हैं क्या कहना है इन नेताओं का। एंड वन ऑफ माय क्लोजेस्ट एसोसिएट्स, हिज डेथ इज एन इरेपरेबल लॉस फॉर द कंट्री एंड पर्सनली टू मी आल्सो। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय ग्रीफ। मैं बराबर यह कहता रहा हूँ कि सचमुच अरुण जेटली जी जैसा व्यक्ति यह पार्टी के लिए भी एसेट है, गवर्नमेंट के लिए भी एसेट है और वह देश के भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसेट है, लेकिन विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता, अब हमारे बीच नहीं है। अरुण जी का दुखद निधन ये हम सब के लिए, पार्टी के लिए, सरकार के लिए और देश के लिए एक बहुत बड़ी हानि है। विद्यार्थी परिषद का एक विद्यार्थी नेता के रूप में अंग्रेजी और हिंदी में प्रखर वक्तृत्व के आधार पर उन्होंने अपने कार्य की शुरुआत की, वो मैंने नज़दीक से देखी है। दो दो लोग ऐसे अभी गए, सुषमा जी और अरुण जी, बहुत बड़ी भारी हानि ये पार्टी की भी है और सरकार की भी है, लेकिन हाँ उनको भी बहुत सहन करना पड़ रहा था बीमारी के कारण। इतना ही कह सकती हूँ, ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे। 67 साल को जाने की उम्र तो होती नहीं, 67 साल तो हम बहुत दुखी हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और मेरे लिए तो एक प्रकार से व्यक्तिगत लॉस है। शुभचिंतक गण हैं उन सबको इस दुख को सहने की क्षमता दें, संबल दें, इस बात की प्रार्थना करता हूँ। इतनी बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई करना मुश्किल रहेगा। श्रद्धेय अरुण जेटली जी का पूरा जीवन उच्च आदर्शों से पूर्ण रहा है। विषयों का विश्लेषण करना, उसकी गहराई में जाना और उसकी एक एक चीज स्पष्ट कर देना,
ये उनकी अद्भुत मेधा का कमाल हुआ करता था। बात का एहसास है कि एक विद्वान आदमी हमारे बीच से चला गया, एक अच्छा अधिवक्ता हमारे बीच से चला गया, एक अच्छा राष्ट्रीय नेता चला गया। और समीर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ, समीर दीक्षित। समीर, जाहिर सी बात है कि आज अरुण जेटली को लोग अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त कौन कौन से हस्तियां वहां पहुंच चुकी हैं, कौन कौन किन किन के आने का सिलसिला जारी है। बिल्कुल बिल्कुल, राजीव शुक्ल जी इस वक्त हमारे साथ में हैं और अरुण जेटली की जो सभी में यानी कि पक्ष और विपक्षी दलों में जिस तरीके की स्वीकारता थी, जिस तरीके की उनकी जगह थी, आपसे बात करूंगा। राजीव जी, अरुण जेटली के जाने को आप किस तरीके से अपने कोई निजी अनुभव के तौर पर कैसे याद करना चाहेंगे? मैं तो 7 तारीख को उनसे मिला था और उस दिन तो वो बिल्कुल ठीक नगर रहे थे। करीब 1 घंटे उनके साथ बैठा रहा, सब बातें करते रहे और बोले कि अगले संसद सत्र में, इस बार तो नहीं जा पाए, अगले संसद सत्र में संसद जाएंगे। काफ़ी मिस किया पार्लियामेंट को। तो उनका जो है एक था कि वो लगातार मेंटली बहुत साउंड, जबकि कमजोरी थी उस समय, लेकिन वो इसके बाद भी वो रोज ब्लॉग लगते थे। और मैं देखता हूँ विपक्ष से तो सब लोगों से उनके संबंध अच्छे थे। एक ऐसे गवर्नमेंट के, इस सरकार के, इस पार्टी के व्यक्ति थे जो विपक्ष से भी भरपूर संबंध रखते थे, सबसे दोस्ताना उनका रवैया था। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि हर क्षेत्र में उनकी पकड़ थी। बिल्कुल, वो कानून के तो विशेषज्ञ थे, राजनीति में क्या भाषण देते थे, संसद के दोनों सदनों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। और इसके अलावा जो क्रिकेट में BCCI में वाइस प्रेसिडेंट थे, जब उनकी सलाह ली जाती थी तो वो उस चीज में कभी BCCI गलत जाती नहीं थी। तो उनके हर क्षेत्र में जो उनका उनकी पकड़ थी वो ऐसी थी कि मतलब मुझे नहीं लगता कि वो बिरले इंसान थे, कैसा इंसान दोबारा मिल सकता। बिल्कुल राजीव जी, क्योंकि आप उनके साथ क्रिकेटिंग चाहे सेक्टर हो या पॉलिटिक्स हो, आप काफी नजदीकी से जुड़े रहे, कोई ऐसा वाक्य जो रहा हो? हमारी मित्रता थी, प्रगाढ़ मित्रता थी, हर दूसरे तीसरे दिन बात होती थी। और जो है ये मतलब व्यक्तिगत रूप से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दुख है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जाहिर तौर पे जिसका जिक्र आप कर रहे हैं अपने स्टूडियो से कि उनका जो व्यक्तित्व है उसी का वानगी है कि उपक्ष और विपक्षी दलों में उनको सब जगह लोग पसंद करते थे। और एक और जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि पकड़ उनकी जो है पॉलिटिकल सब्जेक्ट पे हो, चाहे वो वकील रहे तो लॉयर बतौर लॉयर उनकी जिस तरीके की पकड़ रही, तो इसको सभी लोग सराहा रहे हैं और उनका जाना जो है एक बड़ी क्षति के रूप में देख रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल समीर, और ये वाकई एक अहम बात है कि जिस तरह से बहुत सारी बातें हो रही हैं उसमें हर कोई एक ही बात का जिक्र कर रहा है कि उनके लिए ये व्यक्तिगत कहीं ना कहीं क्षति है। और ये केवल कहने के लिए वो नहीं कह रहे हैं, उनकी बातों में, उनके जज्बात में ये बात साफ तौर पर नजर आ रही है जब वो तमाम वाक्यों को याद कर रहे हैं। गुलरेज शेख हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। गुलरेज, मिस करेंगे तमाम पार्लियामेंट के सेशंस को, उस व्यक्ति का खड़ा होना और वो ओजस्वी भाषण अपने स्टेटमेंट में, अपने होमवर्क में हर तरह से कहीं ना कहीं, जैसा अभी राजीव शुक्ला कह रहे थे, मंत्रमुग्ध कर देते थे दोनों सदनों को। देखिए, हम तो मिस करेंगे, देश भी मिस करेगा और मुझे लगता है कि कांग्रेस समेत सारा विपक्ष भी उनको मिस करेगा, क्योंकि जब एक विद्वान व्यक्ति बोलता है तो उसको लोग सुनने के लिए उसकी प्रतीक्षा करते हैं। और ये बात सर्वविख्यात है कि जब भी जेटली जी खड़े होते थे बोलने के लिए तो विपक्ष के लोग भी आदर पूर्वक सुनते थे और उनकी एक एक बात को समझने का प्रयास करते थे, क्योंकि वो कोई भी विषय होता था उसका पहले अध्ययन करते थे, विश्लेषण करते थे और उसको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते थे और समझाते भी थे, ताकि उनकी जो सदन की जो प्रोसीडिंग्स हैं जब वो उसमें लिखा है तो भविष्य के जो छात्र होते हैं राजनीतिक विज्ञान के और डेमोक्रेटिक विज्ञान के, उनको भी समझने में आसानी रहे, वे समझ सकें कि कब कब किस प्रकार की बातें हुई, किस कालखंड में किस प्रकार के रिफॉर्म्स के लिए कार्य किया गया। और डेफिनेटली भारत का जो इतिहास है, डेमोक्रेटिक इतिहास है, उनको एक रिफॉर्मर के रूप में याद करेगा, क्योंकि हम नहीं भूल सकते कि जब GST लेकर आए थे वे तब हमारी पार्टी के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था, लेकिन यह उनका व्यक्तित्व था जिसके कारण हमको दूसरे दलों से भी समर्थन प्राप्त हुआ। और एक बात और भी है जो उनकी हम सबको उल्लेख करना होगी कि वे बहुत ही लचीले व्यक्ति थे, जब भी ऐसा लगता था कि कोई भी
कानून लाया गया है या कुछ रिफॉर्म किया गया है, उस रिफॉर्म में यदि कोई संशोधन की आवश्यकता होती थी तो वो हमेशा संशोधन करते थे, चाहे वे जीएसटी में रिफॉर्म्स किए गए हो, चाहे नोटबंदी के समय रिफॉर्म्स किए गए हो, तो एक रिफॉर्मिस्ट व्यक्ति थे। दूसरी एक और विषय था कि जो डिजिटल इकोनॉमी है वह उसके पक्षधर थे और बहुत कुछ कार्य हुआ है डिजिटल इकोनॉमी के लिए, उसमें उनका बड़ा योगदान है जो कि एक प्रहार है करप्शन के लिए भी, करप्शन के खिलाफ एक प्रहार है, वो करप्शन फ्री इंडिया बनाने में उनका योगदान है। और राजनीति को लोग बोलते हैं कि राजनीति अहंकार ले आती है, जब आदमी एक चोटी पे पहुंचता है, लेकिन जेटली जी जैसे जो बिरले लोग होते हैं वे अहंकार से परे होते हैं, क्योंकि जेटली जी से मैं स्वयं जब भी मिला, जब भी उनसे विमर्श किया, कभी ऐसा बोध नहीं हुआ कि मैं देश के रक्षा मंत्री या वित्त मंत्री से बात कर रहा हूं। ऐसा लगता था कि संगठन किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूं, संगठन के किसी वरिष्ठ से बात कर रहा हूं, जो कि एक गार्जियन की तरह हमको सलाह देते हैं। और जब एक बात और भी थी, जब ठीक है आपको रोकूंगा, समीर हमारे साथ जुड़े हैं, समीर ओवर टू यू। लेकिन मालूम पड़ता था एक दो दिन के बाद। बिल्कुल, अभी अभी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस वक्त कैलाश कॉलोनी अरुण जेटली स्थित उनका जो आवास है वहां पे पहुंचे हैं अंतिम दर्शन के लिए। मनमोहन सिंह का पहुंचना आप इस तरीके से भी देखते हैं कि भले ही कितने वैचारिक मतभेद हो, एक दूसरे पे निशाना साधा जाता हो अलग अलग मुद्दे पे, खासकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, इन पे कई बार अरुण जेटली ने काफी तीखे आलोचना करी, लेकिन ये वो मौका है कि भले वैचारिक मतभेद हो लेकिन बतौर व्यक्ति इनको जिस तरीके से पसंद इनको किया जाता था, इनकी जगह थी, उसी का वानगी है कि अब बड़े जो है चेहरे इस वक्त यहाँ पहुंच रहे हैं। मनमोहन सिंह अभी अभी जो है कैलाश कॉलोनी स्थित अरुण जेटली के निवास पहुंचे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। और अब जो सूचना हमें मिल रही है, थोड़ी ही देर बाद तकरीबन 8 बजे राहुल गांधी भी कैलाश कॉलोनी पहुंच सकते हैं। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों पहुंचे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों इस वक्त कांग्रेस के दोनों बड़े नाम इस वक्त यहां पर पहुंचे हैं कैलाश कॉलोनी स्थित अरुण जेटली के आवास पे। आप देखें तो पहले मनमोहन सिंह, उसके बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों इस वक्त अरुण जेटली के अंतिम दर्शन के लिए कैलाश कॉलोनी पहुंचे हैं। और ये इस बात को भी आप देखें कि भले ही कितने ही वैचारिक मतभेद हो लेकिन अरुण जेटली की शख्सियत ऐसी है कि सभी लोग उनको बतौर व्यक्ति पसंद करते थे और उनके व्यक्तित्व को किस तरीके से सराहते थे कि अब जो है अगर आप देखें तो ये दो बड़े चेहरा, उसके पहले कमलनाथ, साथ में आनंद शर्मा, राजीव शुक्ल, ये जो अहमद पटेल जो कांग्रेस के बड़े नाम है वो सब यहाँ पर पहुंचे थे। और इसके अलग अगर आप देखें तो फिल्मी दुनिया से शर्मिला टैगोर थी यहाँ पे, गौतम गंभीर भी आए थे, वो सांसद भी हैं लेकिन क्रिकेटिंग करियर भी रहा है। तो सभी क्षेत्र के जो दिग्गज नाम हो सकते हैं उनका रुख इस वक्त दिल्ली के कैलाश कॉलोनी की तरफ है, अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और क्योंकि कल जो है ये जिस तरीके से अंतिम संस्कार तकरीबन 2 बजे किया जाएगा, उससे पहले हर कोई एक आखिरी झलक अरुण जेटली के देखने के लिए उनके निवास पहुंच रहा है। ये हमने आपको ताजा तस्वीरें दिखाई जहां पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्षा यहां पहुंची अंतिम दर्शन के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे समीर आपका इन तमाम तस्वीरों के लिए। और वाकई अरुण जेटली की शख्सियत को बयां करने के लिए ये तमाम हस्ताक्षर बेहद अहम हो जाते हैं। गुलरेज शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया, एक प्रवक्ता के तौर पर और चूंकि एक मेंटोर जैसा आपने कहा कि वो रहे हैं, किस तरह से उनकी शख्सियत की तमाम बातों को आपने बड़ी खूबसूरती से रखा। और आज जी बिजनेस ने दिन भर अरुण जेटली के व्यक्तित्व को याद किया, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत जिसने पार्टी लाइन से अलग हटकर अपने व्यक्तित्व में अलग अलग भूमिकाओं में जो भी दायित्व उसे मिले उसका एक कर्मवीर की तरह निर्वाह तो किया ही, लेकिन जैसा मैंने कहा कि तमाम पार्टियों में एक एक जो कहते हैं कि एक व्यक्ति का कि नैतिकता जो होती है वो उसके चरित्र में उसके काम में दिखती है, वो अरुण जेटली की साफ तौर पर नजर आई। और यही वजह है कि अब से थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें आपने देखी, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आनंद शर्मा, इसके अलावा अहमद पटेल, ये तमाम नाम विपक्ष जिनसे वैचारिक मतभेद होते हैं वो सभी उनके आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे। और दूसरी ओर हर सेक्टर का हर प्रतिनिधि पहुंच रहा है, जो नहीं पहुंच पा रहे हैं वो सोशल मीडिया के जरिए तमाम बातें याद कर रहे हैं। और जब वो कुछ भी कह रहे हैं अरुण जेटली के बारे में तब साफ तौर पर अपने किसी निजी अनुभव का जिक्र करते हैं। और यही अरुण जेटली ने कमाया जो आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी मौजूदगी उनके व्यक्तित्व के जरिए हमेशा रहेगी। और वाकई ये खालीपन कोई भर नहीं पाएगा भारतीय राजनीति में।